पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाओं के चलते उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दे डाली है। बहुत ठंड और सर्द हवाओं के चलते NCR के फरीदाबाद शहर में लोग ठंड से बेहाल है। जहां सड़क किनारे लोग आग तापकर सर्दी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बाजारों से खरीदार भी नदारद हैं और दुकानदार दुकानों में हीटर चलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। जहां दुकानदारों ने कहा कि पिछले 3-4 दिन से सर्दी का कहर बरस रहा है और वे सुबह से शाम तक ग्राहकों का इंतजार करते हुए खाली हाथ घर लौट रहे हैं। वहीं आग ताप रहे लोगों ने बताया कि बढ़ती सर्दी के चलते घरों के अंदर छोटे बच्चे और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जिससे जो है बच्चे बीमार हो रहे हैं, खांसी जुकाम लग रहे हैं। और ख़ासकर तो मैं यही कहूँगा, बुज़ुर्गों को जो है ना सुबह शाम की सैर नहीं करनी चाहिए, अपने घर में सुरक्षित रहें। 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड है, काम तो हो ही नहीं पा रहा, बुजुर्गों को और बच्चों को ज़रा उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठंड तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो किस तरह बचाव कर रहे हैं? तो आग का सहारा ले रहे हैं जी, आग जला लेते हैं सुबह शाम, तो पर वो खुलता है तो थोड़ा काम वाम कर लेते हैं, बाकी ठंड से काम नहीं हो पा रहा। सही बात, ठंड की तो ठंड आजकल इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि अगर हम लोग बाइक पे निकलते हैं, स्कूटी पे निकलते हैं, हाथ जमने की कगार पे होते हैं, बाइक स्कूटी कुछ नहीं चलाई जा रही, जिसकी वजह से लोगों के एक्सीडेंट ज़्यादा हो जा रहे हैं। देख सकते हैं जैसे कि आप मॉल पूरा कोहरा कोहरा हुआ पड़ा है, बाहर भी लोग आग वाग ताप रहे हैं, हर जगह लगे पड़े हैं और इससे प्रदूषण की भी ज़्यादा स्थिति बढ़ रही है। ठंड बहुत हो रही है, बुखार उखार हो रहा ठंड से, जुकाम उखाम हो रहा, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कोहरा भी ज़्यादा पड़ रहा है। तो किस तरह ठंड को दूर भगा रहे हैं? आग ताप पे चल रहा है सर काम। इस समय ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि आपको बता नहीं सकते, आप देखेंगे काम काज बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई पड़ी है इस समय। मौसम विभाग का भी इस समय हम देख रहे हैं, उसका भी यही शो हो रहा है कि आगे अभी और ठंड बढ़ने के आसार और ज़्यादा हो रखे हैं। बूढ़े बच्चे बुजुर्ग जो हमारे घरों में है, मतलब ठंड से बहुत ज़्यादा बुरा हाल पड़ा है, मतलब उनके लिए तो इस समय इतनी ठंड है कि घर से बाहर ना निकले तो ज़्यादा बेटर है। अब देखो हीटर चला के बैठे पड़े, काम है नहीं, मगर अभी ड्यूटी देने आए हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, काम करते बहुत ज़्यादा फर्क पड़े इस ठंड में। ठंड के असर की वजह से कस्टमर का भी, कस्टमर तो आ ही नहीं रहा, ठंड है, ठंड के कारण कस्टमर निकल ही नहीं रहा मार्केट में बाहर, वो अपने घरों में बैठ के अपना जो भी काम है अपने घरों से कर रहे हैं, या मतलब कस्टमर इतना ज़्यादा मार्केट में है नहीं। कस्टमर इस समय ठंड का असर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, काम पे बाहर पे मार्केट में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस समय, ठंड कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आपको बता दें कि बढ़ती ठंड और सर्द हवाओं के चलते NCR के फरीदाबाद शहर में लोग ठंड से बेहाल हैं। जहां सड़क किनारे लोग आग ताप कर सर्दी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बाजारों से खरीदार भी नदारद हैं और दुकानदार दुकानों में हीटर चलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।